इन गंदे हाथों से मुझे हाथ मत लगाना। बाहर निकलो यहाँ से, जस्ट गेट आउट। टूटा फालतू अयान का रिश्ता, फालतू अयान के उल्टे फेरे, नफरतों के कसमे वादे। स्टार प्लस के सीरियल फालतू में रूहान और तनिषा दोनों कामयाब हो गए हैं फालतू और अयान को अलग करने में। उन्होंने अयान के सामने फालतू और रूहान का ऐसा रिश्ता दिखाया कि अयान ने फालतू के चरित्र पर उंगलियां उठा दी। इतना ही नहीं, इसी बीच रूहान ने ऐसा मैसेज भेज दिया जिसे सुनने और देखने के बाद फालतू के पैरों तले जमीन खिसक गई और अयान को पूरा विश्वास हो गया कि उसकी बीवी ने उसके साथ विश्वासघात किया है। सब कुछ झूठ है तुम्हारे लिए, तुम ही सच्ची बची हो ना, अभी तुम्हारे बेवकूफ तो मैं था बेवकूफ जो तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा किया। अरे तुम मान के तो देखती, मुझसे पैसे चाहिए थे, तुम्हारी हर डिमांड पूरी करता, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना दांव पे लगानी पड़ती, खुद को बेच के तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता मैं। ऐसा क्या कर दिया उस लोहान ने जो तुमने अपनी शादी तक दांव पे लगा दी? क्या जरूरत थी इतना गिरने की फालतू? छुओ मत मुझे, इन गंदे हाथों से मुझे हाथ मत लगाना। जिससे तुमने मेरे घर से बाहर, बाहर निकलो यहां से, जस्ट गेट आउट, बाहर निकलो। तो ये दोनों फालतू यान के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, जहाँ एक दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो तो आप जानते ही हो, अब जुदा हो रहे हैं तो फालतू का भी एक यू नो सैचुरेशन पॉइंट आ गया था जब वो और कुछ नहीं सुन पाई। उसने कहा कि मेरे चरित्र पर कोई दाग ऐसे नहीं लगा सकता क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बस लंबी चौड़ी स्पीच दी है फालतू ने और मार्ट साहब ने भी अपना बहुत सारा गुस्सा निकाला है। वो क्या क्या हुआ आप एपिसोड में देखना। यार ये ना बहुत ही सैड सा सिचुएशन है मार्ट साहब के लिए, एंड आई एज आकाश फील वेरी बैड फॉर हिम, और एक्चुअली दोनों के लिए। जिस तरह दोनों को ट्रैप किया गया है, मुझे लगता है कि वो आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे अयान भी एक इंसान है और वो बहुत प्यार करता है फालतू से, आप सब जानते हो। तो वो जब देखा उसने अपनी आंखों से, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो देखा उसने। ऑल दो आई थिंक ही कुड हैव बीन अ लिटिल मोर मैच्योर अबाउट इट, बट वो प्यार इतना करता है कि आप उसी अटैचमेंट की वजह से पागल हो जाते हो, तो वो आपको देखने को मिलेगा। देखो ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट पूरा है, बट वो सिचुएशन ऐसी बनी है कि आप देखोगे तो समझ जाओगे ट्रस्ट है, ऐसा कुछ नहीं। अयान ने तो फालतू को अपनी जिंदगी से जाने तक को कह दिया और फालतू उसने कोशिश भी बहुत की अपने आप को बेगुनाह साबित करने की, लेकिन अयान उसने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया और ले लिए शादी के उल्टे फेरे। साथ ही कसमें खा ली कि वो जिंदगी भर फालतू से नफरत करेगा, फालतू का चेहरा नहीं देखेगा। बस फिर क्या, अपने चरित्र पर उठे सवालों ने फालतू को परेशान कर दिया और ऐसे में फालतू ने भी अयान से अपना रिश्ता तोड़ दिया। बहुत बोलिया तुमने, किसने अब दिया हमारे चरित्र पर दाग लगाने का? क्या लगता है तुम्हें? पति हो तो कुछ भी कर, मैं कुछ ना बोलूंगी। अब थारे को मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, तुम्हारे कोई खत्म करोगे इस रिश्ते को? अरे मैं खत्म करती हूँ थारे से अपने सारे रिश्ते। अभी तो कुछ भी नहीं सोच रही है फालतू, मार्ट साहब छूट गए हैं, मतलब सब कुछ चला गया जिंदगी से, एकदम जिंदगी उजड़ चुकी है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसने वॉकआउट किया है, पर लेट्स सी अब क्या करेगी। आप सब बता दूंगी तो आप एपिसोड नहीं देखोगे, एपिसोड में देखना। एक्चुअली इस सीन में ना दोनों की गुस्सा, दोनों की फीलिंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अयान तो रिश्ता ख़त्म कर ही रहे, वो गुस्से में है, फालतू भी गुस्से में आके बोलती है कि मैं भी रिश्ता ख़त्म कर रही हूँ। तो जब फालतू चली जाती है तो अयान तो बौखलाया हुआ है इस समय, जब वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो वो भी कहता है कि यार वो रुक जाती ना, वो क्यों गई,
मैं पागल हूँ, ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्सा हो गया, उसको भी तो रुकना चाहिए था अगर वो गलत नहीं है तो। तो अब देखते हैं, दोनों की लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, बट लास्ट में जीत किसकी होती है? सच्चाई की, प्यार की, प्यार की जीत होती है भाई। प्यार की जीत तो तब होगी जब सच सामने आएगा, और ये सच कैसे आएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।